आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्ट्रीट स्टाइल बर्गर की रेसिपी। तो इस बर्गर को आपने रोड साइड भी काफ़ी खाया होगा, बहुत टेस्टी होता है। तो टेस्टी से बर्गर को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 बर्गर बन लिए हैं, प्याज टमाटर ककड़ी के स्लाइस लिए हैं और चीज़ लिया है। तो रोड साइड बर्गर हम बना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसको तल लेंगे बर्गर बन को। तो इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस दोनों साइड ना हल्का सा इसको इस तरीके से पलट लेना है और थोड़ा सा इसमें जो है ऑयल का फ्लेवर ले लेना है, क्योंकि रोड साइड हम बर्गर खाते हैं तो वो इसी तरीके से होता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो निकाल करके इसको हम इस तरीके से ना बीच से कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे एक साइड ग्रीन चटनी, तो धनिया और पुदीना की चटनी है ये नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं, और दूसरी साइड हम लगाएंगे जो मीठी सौंठ जिसे बोलते हैं, जो इमली और गुड़ का बनता है, और ये मैंने लिया है टिक्की। तो अगर आपको टिक्की बनानी नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा इसकी रेसिपी का। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक प्याज की स्लाइस और इसके बाद एक टमाटर की स्लाइस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ये चीज़ स्लाइस, तो इसकी जगह अगर आपको पनीर लगाना है तो आप पनीर भी लगा सकते हैं। तो ये मैं एक ककड़ी का पीस जो है इस तरीके से लगा रही हूँ। इसके ऊपर एक अनियन स्लाइस हम और लगा देंगे, क्योंकि अनियन का जो टेस्ट है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसके ऊपर हम डालेंगे ये हल्का सा भुना पिसा जीरा, जिससे जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आएगा बर्गर का। तो इसी के साथ हल्का सा हम चाट मसाला लगा देंगे। तो जो बर्गर मसाला होता है ना वो इन तीनों को मिक्स करके ही बनता है। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा जो है काला नमक डाल दिया है, इसकी जगह अगर आपको प्लेन नमक पसंद है तो आप वो डाल दें। तो अब हम बर्गर को इस तरीके से लगा करके ऊपर टूथपिक लगा देंगे। तो ये हमारा सुपर टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल बर्गर जो है बिल्कुल तैयार है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को